दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन पे थे और वो मिशन हमें बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम कीपर ढूंढ रहे हैं और वो भी फोर्थ कीपर अपना, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। हमें ऐसा लगता है कि वो यहीं पे है। ऐसे है कि हम पूरी जगह को आप जांचेंगे ताकि हमें कंफर्म हो कि हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि गाइडेड वीडियोस मैंने नहीं देखी। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ करें इसे, तो फिर इसलिए हमें हर एक चीज़ को, हर एक पत्ते को छानना होगा और छोटे से छोटे की को भी देखना होगा। नथिंग हेयर, नथिंग हेयर। 142 मीटर पे है, अभी भी 142 मीटर पे है। यहाँ से रास्ता बाहर की तरफ, यहाँ से उछल कूद के लिए। यहाँ से कुछ भी नहीं, 143 मीटर पे ये है। यहाँ से कोई रास्ता उस तरफ नहीं जाता, कोई हल्का सा भी रास्ता उस तरफ नहीं जाता। ये रास्ता भी नहीं जाता, रास्ता तो है ही नहीं ये। ओके, हम यहाँ से अंदर आए थे। ओके, हम यहाँ से आए थे अंदर। इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ आने का। मैं इसके ऊपर से भी होके आ चुका हूँ। ये लोकेशन समझ से भला बाहर है, क्या है। तो हम मेन यहाँ से भी आ चुके हैं, यहाँ से भी हम जा चुके हैं। अब तो हम यहाँ से घुसे हैं, यहाँ से घूमते घूमते कोई लोकेशन यहाँ पे आनी चाहिए। यही तो मैं भी अंडर पासिस मुझे समझा सकी। लेजेंड्स है, ठीक है। टैप टू F3 टू फोटोज। ओके, एल टू लेजेंड। ओके, टनल्स कैसे पता चलेगा। लोकेशन में ICU गेट्स है, कैंप्स है, डेवलिंग है, स्पाइडर टेम्पल है, क्वेरी है, आर्चिव्स है, आर्चिव्स है, फिस है, केव्स है, फ्ली है, वाटर वाटर लोकेशन है। यहाँ से हो के हम इधर पहुँचेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें दिख रही हैं लेकिन ये समझ से बाहर है। यहाँ पे क्या चीज़ है जो उसको मिला सकती है, लेकिन हम छानबीन करते हैं। आप एस्केप की। ओके, हम लास्ट टाइम यहीं पे आए थे जब हमें कुछ भी नहीं मिला था। नथिंग एंड नथिंग, नाकामी के सिवा हमें कुछ भी नहीं। ओके, ये वही रास्ता है। ओह वाओ, क्या हम यहीं से आए थे। यहाँ ऊपर से आए थे लेकिन इसके पीछे जाना हमें मुनासिब नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता है शायद हम हो के आए हों। नहीं, हम नहीं हो के आए, हम यहाँ पे नहीं आए, नहीं आए। मैं मजाक नहीं कर रहा कि मैंने वो जगह ढूंढ ली है। मैं ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहता कि मैंने वो जगह ढूंढ ली है कि जहाँ पे हमें अपना सब कुछ मिल सकता है जो हम ढूंढने के लिए मिले। और मैं मजाक नहीं कर रहा, हम मुझे लगता है कि हमने ढूंढ लिया। लेकिन कुछ गुत्थियाँ सुलझानी बाकी, कुछ गुत्थियाँ सुलझानी बाकी हैं ताकि हम ये बात पक्की कर। नो वे ब्रो, नो वे।
ओके ओके मैं समझ गया। ओके इसको मेरे ख्याल से उस तरफ देखना है। इससे आगे तो वो जा ही नहीं। ओके ये पजल थी, मैं समझ गया ये पजल थी। और बहुत अच्छी पजल थी। मैंने एक छोटी सी चीज को मिस किया और देखें क्या समथिंग ब्लॉकिंग दिस। ऊपर से नहीं जाया जा सकता। ओके मैंने पीछे कर दिया है, अब मैं भी रास्ता बन जाए। ओके अब उसको भी हटाना है, वो उस साइड से हटेगा। और मैं बिल्कुल ठीक था, वो उसी साइड से हटेगा। ओके हट गया। ओके ये भी हटाना है। एक ही मतलब सारा काम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंसान खुद भी हो तो वो मैनेज कर सकता है इसमें, यानी कि अगर असल में हो तो इसमें मैनेज किया जा सकता है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसे कहाँ तक ले जाया जा सकता है, जहाँ तक ले जाया जा सकता है हम लेके जाएंगे। ओके हमें ये भी मिल गया है, वो भी 55 लेवल का। वाओ अमेजिंग है। लेकिन हमारी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं, हमारी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। इसको थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे ताकि हम अपनी गुत्थी सुलझा सकें। वाओ अमेजिंग अमेजिंग यार, मैंने ये सोचा नहीं था लेकिन अकल ने साथ दिया और ऐसा हो गया। मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची थी जो अभी मैंने की है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा चलें आजमा लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। कीपर्स नहीं है यहाँ पे। अमेजिंग। और ये कंप्लीट हो गया। द एबिलिटी इनहेंस इन ऑल वे एंड द एबिलिटी इज मैन। ओके मिशन भी कंप्लीट हो गया हमारा। इसी के साथ साथ लोकेशन भी कंप्लीट हो गई, मिशन भी कंप्लीट हो गया और हम 55 लेवल पे ही हैं अभी तक। ओके हम डायरेक्ट निकलेंगे जहाँ भी निकलेंगे अब, तो उम्मीद है कि हम मेन लोकेशन पे जा रहे हैं। ज़्यादा बेहतर है, बहुत मज़े का मिशन चल रहा है, बहुत मज़े का मिशन हुआ है। ये मिशन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमने कुछ थ्रेड्स करने हैं, कुछ मेन मिशंस करने हैं जिसमें हेल्थ कम है। लेकिन एक मिशन की मुझे समझ नहीं आ रही जो ह्यूमंस के बारे में करना है, वो मिशन बहुत ही थोड़ा माइंड में नहीं बैठा। उस मिशन को कैसे किया जाए। हार्ट ऑफ इलाइजम। ओके एबिलिटीज़ देखते हैं आप, हमारे पास एबिलिटीज़ क्या क्या हैं और हम इन्हें कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके यहाँ पे ये है एक एबिलिटी, एक ये एबिलिटी है, एक ये है और इसके अलावा फोर्थ एबिलिटी ये है। असाइन करते हैं इसे 2 पे या 3 पे।
ओके इसको असाइन कर लिया है मैंने, इसको भी असाइन करते हैं। और इसके अलावा इसको असाइन करना तो बनता था। ये वॉरियर वाली मेन थी तो इसके लिए मैंने इनको असाइन किया ताकि कुछ काम तो निकाले जा सकते हैं इनसे भी। दूसरे हाथ में मेरे कौन सी है, 52 वाली ये तो, ये कौन सी है यहाँ पे देखना होगा। ये दिख नहीं रही कि ये कहाँ पे मैंने हासिल की हुई है। ओके ये हमें चेंज करनी होगी, 55 हो गई है। एक हाथ में ये, एक हाथ में ये, अच्छी है। ओके अब हम अपने मिशंस देख लेते हैं। ओके एक ये है और एक ये है, ये वीकेंड प्रिस्पेन कंट्रोल इन, क्या है मिशन, वीकेंड प्रिस्पेन कंट्रोल इन फीरियाज रिट्रीट, वीकेंड प्रिस्पेन रिस्पॉन्स कंट्रोल इन डिलेंस हटेज और वीपन्स माइनोस फेथ। ठीक है, वीकेंड प्रिस्पॉन कंट्रोल इन माइनोस फेथ। ओके माइनोस फेथ जाते हैं क्योंकि ये लोकेशन मैंने नहीं सुनी। माइनोस फेथ, ओके माइनोस फेथ में ज़्यादा है। इसके अलावा फायरियाज रिट्रीट किधर है, ये है नहीं, ये भी नहीं। फायरियाज रिट्रीट इसमें कम है, और ये है इन डेकुलेंस, डेकुलेंस कौन सा, ये है डेकुलेंस, अवर सीज डिफीटेड इसमें ज़्यादा है। और इसमें हमने शायद बहुत सी जगह हमने मिस की हुई है ये चीज़ें, तो हम इनको भी किल करेंगे ताकि हमारा मिशन मजबूत हो सके। इसके लिए मैं थोड़ा आराम आराम से बात कर रहा हूँ, कुछ वजह नहीं है क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया, मैं प्ले कर रहा हूँ गेम भी और इस टाइम 11 के करीब टाइम हुआ हुआ है, तो मैं आराम आराम से सोच सोच के बातें कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोया हुआ हुआ था, क्योंकि ये ना समझे कि मैं सोया हुआ हूँ, वो अलग बात है कि नींद तो आ रही है लेकिन मैं सोया हुआ नहीं। सोया होना और नींद आना अलग अलग बातें हैं, इन दोनों बातों को आप एक साथ मिला नहीं सकते, ऐसा कहना गलत है, ऐसा करना गलत है, सॉरी। ओके हम ये देखते हैं, फिर हम इसको भी लाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो मेन चीज़ें हैं जो हेल्प देती हैं, जैसे स्टैचूज वगैरह, जो सबसे मेन चीज़ है। स्टैचूज बहुत मेन है, यहाँ पे स्टैचूज सबसे ज़्यादा मेन है। Better stay hidden. ओके Oh shit, they have seen me. और मेरा घोड़ा क्या कर रहा है, आधा पागल, चलें जो भी है कुछ तो है। मैं यहाँ टॉप पे इसलिए आता हूँ, इसके टॉप पे वो भी, कि वहाँ से वो कुछ भी नहीं कर सकते। Okay.
ओके क्या उसके ऊपर आने तक मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, और मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। Persephone won't like that. Oh shit. Keepers भी हिल गए अपनी जगह से। इसका मतलब है मेरे लिए खतरा बढ़ गया। Off we go now. और मुझे भागना होगा क्योंकि कीपर्स अलाइव हो। तो मेरे लिए और लोकेशन यहाँ पे कौन सी है जिनसे मैं इस लोकेशन को और कम कर सकता हूँ? ये तो हो गया, ये है जिस जो पीछे ही थी वहाँ पे। सिर्फ एक लूट करनी है जो अफेक्ट करेगी उसको। लूट करना बहुत आसान है यहाँ। है भी यहाँ भी या नहीं है इतना ऊपर? क्या ये इसी का है या ऊपर किले का है? अब ये मुझे आइडिया नहीं है, ये तो ऊपर जाके ही कंफर्म होगा। इसी का लग रहा है। ऊपर चढ़ते जाओ। वाओ अमेजिंग है, जगह बहुत अमेजिंग है। बाकी कुछ अमेजिंग हो या ना हो, इससे उस पर कोई फर्क नहीं। You ride. इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही किसी और चीज पे। हम उन चीज़ों को बाद में देखेंगे। ये क्या है, हमें इन चीज़ों को पहले देखना है जो मेरे करीब हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर इन चीज़ों के देखते हुए यहाँ से निकलेंगे। ओके तो 305 मीटर घूम के जाना ठीक ही रहेगा। अब खतरा तो है नहीं यहाँ के, कीपर एक ही कीपर है जिसे मैंने जो जिंदा है, और ये चीज नीचे है जो भी, इसलिए खतरा टल गया। ओ माय गॉड, मैं भी कहूँ पता नहीं क्या चीज थी। कम ऑन, और ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ यहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, ये तो मिशन से अवर चीज़ें हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं। मिशन की चीज़ ये हो सकती है। ओके लेकिन देख भी लेते हैं कि लोकेशन तो डिस्कवर करते हैं। ओह शिट, बहुत ही गहरा, मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतनी गहराई होगी। फिर इसके बाद हम वहाँ जाएंगे, हमें ये आइडिया हो गया कि लोकेशन क्या है, इसमें हमारा कितना फ़ायदा है, फ़ायदा है भी या नहीं। वेयर पिरामिड किधर है? पानी के नीचे तो नहीं है, क्योंकि मैंने पानी के नीचे कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं।
अभी भी 17 मीटर की दूर है। लेकिन कहाँ मैं भी यहाँ मैं भी यहाँ अंदर भी हो सकता है लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं मैंने। ओके यहीं से निकलते हुए जाएंगे हम। हमारे बंदे की हेल्थ भी कम हो रही है। ओह शिट मुझे पहले यकीन था कि यहाँ से निकलते हर चीज़ के बारे में यकीन ही काफ़ी होता है लेकिन हमने जाना किधर है। हम उन तमाम चीज़ों का निशाना बनाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन इतनी गहराई में ये नहीं मुझे आइडिया था इतनी गहराई में भी कोई चीज़ हो सकती है। रास्ता है जिसे हमने खोलना है। ओ 55 लेवल का मुझे मिला है। ओके गुत्थियाँ सुलझाने का तो मैं माहिर हूँ ही क्या पता ये गुत्थी सुलझा पाऊँगा या नहीं। इसका मुझे पता नहीं है। ओके गुत्थी सुलझा दी। ये दीवार ओ कीपर सीजर है। शार्प वॉच हियर कीपर सो है। ओके खत्म कर दिया मैंने इसे भी और अब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से हम आए थे। ओके ये भी इतनी बड़ी डील नहीं थी छोटी डील थी लेकिन इसमें सोचना ज़्यादा पड़ा क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता कुछ होना बहुत मुश्किल था लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ओ भाई छलांग लगा कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपके बाद तो मैं यही सोचूंगा। और ये मैं किसी और रास्ते से निकल रहा हूँ मुझे इस बात का यकीन नहीं है बल्कि नहीं वही रास्ता है वही लोकेशन वही रास्ता वही सब कुछ है। कश्ती का सहारा मैं नहीं ले रहा क्योंकि हमें यहीं जाना है और सामने हमें जाना है और वहाँ से हम वो 307 मीटर पे जाएंगे वही हमारा ऑब्जेक्टिव है मेन उसके अलावा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा। हमने कमज़ोर बनाना है रेस्पॉन को। थोड़ा बोरिंग हो गया है अगर फाइट होती या वार होती या साथ साथ मिशंस और भी चलते रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो हमें ताकत नहीं दे रही सिर्फ हमारा टाइम ही ज़्यादा हो रहा है। ओके मैं इन मिशंस को बैक एंड पे कर लेता हूँ ताकि हम मेन मिशंस पर फोकस कर सकें। ओके गाइस बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने का और अब मेन वीडियो जैसे मैंने बात की कि हम मेन जो है मिशन पर फोकस करेंगे तो ये मिशन हम बैक एंड पे करेंगे। ओके
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, थैंक्स फॉर योर लाइक सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.